खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 ने एक बार फिर से नागिन 6 को टीआरपी के मामले में पछाड़ दिया है। वेल, क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवन, वेलकम टू आवर चैनल। वेल, खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 को फर्स्ट एपिसोड से काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है और टीआरपी के मामले में भी बड़े बड़े शोज को ये पीछे कर रहा है। हाल फिलहाल बात करें खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की, तो फैंस का बेहतरीन प्यार जो है खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 को मिल रहा है, जहां पर कई सारे टर्न एंड ट्विस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इस बार काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज भी देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं जो है रुबीना दिलैक का, मोहित मलिक, तुषार कालिया, वेल जहां इन तीनों का जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी इन तीनों की देखने को मिलती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा जो है इस शो को पसंद किया जा रहा है और टीआरपी के मामले में नंबर 1 शो नजर आ रहा है। वेल, टॉप 5 में जहां खतरों के खिलाड़ी शामिल है, और वहीं मैं आपको बता दूं कि जहां सैटरडे संडे एक और शो आता है और वो है नागिन 6 की टीआरपी भी काफी कमाल की आती है, लेकिन हाल फिलहाल नागिन 6 की टीआरपी जो है उसमें खतरों के खिलाड़ी जो है वो आगे निकल गया है नागिन 6 से। वेल, नागिन 6 की टीआरपी जो कि कहीं ना कहीं हाल फिलहाल इतनी अच्छी नहीं आई है, वहीं खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की जो टीआरपी है वो है 2.0। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है नागिन 6 की टीआरपी कहीं ना कहीं कम है खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 से। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से और टीआरपीज में ग्रोथ होती है। क्या है आपके रिएक्शन, कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड, टेलीविजन और एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।